आदिवासी सिंगालाभिजन पास्टा सेखर आज मरामती मैदान रे मिट सरना धर्म जनसभा हुई नुआ जनसभा रे जहाँ को सरना धर्म को लेना आदिवासी को उनको जो तो भारत दिसम खन को ही सेटल लेना नुआ जनसभा रे निना को ठोक किया जे भारत सरकार जदि 2023 दबीते सरना धर्म कलम कड़बाए मो आइन खान 30 दिसंबर तो भारत बंद रेना कमी हो रहा को आस्कद होगा लई तरह आदिवासी सिंगल अभियान एट गाँवता को एट सान्तर गाँवता को उन कुछ नई लगातार सान्तर राजभाषा और सरना धर्म लगे लड़े चलू का मेनखान आदिवासी सान्तर को कुकमु तीस पूरे सिंगल अभियान बाकी तहना तेलब रांची खुना झलक नल लगे सरना धर्म कोर्ट जनसभा का आयोजन किया गया है। भाषा नहीं, जमीन नहीं, इज्जत नहीं, आबादी नहीं, रोजगार नहीं, भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोर्ट के नाम से भी एकजुट करना है, आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना से भी एकजुट करना है, क्योंकि बड़ी छोटी जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं हमारे साथ धोखेबाजी कर रही हैं और झारखंड बने 23 वर्षों में भी सभी पार्टियों के बड़े नेता आदिवासी हैं, सभी मुख्यमंत्री बाप बेटा शिबु सोरेन हेमंत सोरेन 5 बार CM बने, बाबूलाल मरंडी जी भी बने, अर्जुन मुंडा बने, मधु कोड़ा बने, लेकिन आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। तो हमारे आदिवासी नेता भी विभिन्न पार्टियों में रहकर आदिवासी समाज की बात नहीं करते, आदिवासी जनसंगठन भी आदिवासी समाज की बात नहीं करते और आदिवासी गाँव देहात के लोग भी बेचारे ना समझ आए पाणिया दारू चकना चायन भूत प्रेत के चक्कर में फंसे हुए हैं भोले भोले लोग। तो इन तमाम लोगों को एक नई आज़ादी, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आज़ादी, आदिवासी राष्ट्र के नाम से उनको हम आज़ाद करने का रास्ता बताएंगे। और आज की सभा में आदिवासी संगल अभियान के कार्यकर्ता हैं, खोए हुए लाए हुए लोग नहीं हैं और हम लोगों ने भी सोचा है कि RSS की पैटर्न में आदिवासी समाज के नए सिरे एकजुट करना होगा और ये काम आज हम लोग आज में कितना बदलाव आएगा? पूरा बदलाव आएगा। अभी क्या है, संविधान और कानून प्रदत्त कोई भी अधिकार आदिवासी को नहीं मिला। CNT SPT कानून है पूरे झारखंड में, साहब आदिवासी का जमीन लुटाया जा रहा है, धर्म की आज़ादी का व्यवस्था है संविधान में लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पेशा कानून वन अधिकार कानून समता जजमेंट कुछ लागू नहीं है। तो जब तक आदिवासी को धर्म की मान्यता या कानून और संविधान का मान्यता अब लागू नहीं होगा तो आदिवासी ऐसे ही रहेगा। अभी इस समय ये सब चीज़ लागू नहीं होने से बड़ी बड़ी पार्टी वोट तो हम लोग का लेते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। आदिवासी नेता भी सभी पार्टियों में समाज का बात नहीं हो पार्टी की गुलामी करते हैं। तो इसलिए इस बदलाव को लाने के लिए सरना धर्म कोर्ट लोगों को एकजुट करेगा, आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना लोगों को एकजुट करेगा। हम राजनीति के खिलाफ नहीं हैं, जैसे मराठी लोग पूरे महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण के लिए एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सब आदिवासी नेता पूर्वी महतो को आदिवासी बनाने के लिए अनुशंसा साइन करके दे रहे हैं, मतलब असली आदिवासी का गलत है। तो ये यहाँ उल्टा चल रहा है, उल्टा को सीधा करने चलना पड़ेगा। उस बात को आदिवासी सिंगल अभियान ने समझा है, मैं सांकन ग्रुप में इसके लिए लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी का दलाली या नेता का दलाली करते हैं। गांव में हमारा सामाजिक जो स्वशासन व्यवस्था है, माजी परगना मंत्री होंगे डॉक्टरों को बड़ा बन जाएगा, इसके जो प्रमुख होते हैं आदिवासी चीफ टेन, ये राजतांत्रिक व्यवस्था से आते हैं, गाँव के लोग इन लोग को नहीं बनाते हैं। तो राजा का बेटा राजा की तरह लोग बन के जो होता है ना, अधिकांश अनपढ़ पियक्कर ना समझ लोग हो जाते हैं। और हर गांव में इसीलिए आदिवासी एकता नहीं है, हर गांव में क्या है,
नशापन अंधविश्वास जैन प्रथा इच्छा द्वेष महिला विरोधी मानसिकता वोट पहाड़ियाँ दारू चकना में बेचना बांटना धर्मांतरण और राजतांत्रिक व्यवस्था। तो हर गांव कुछ दलाल कुछ व्यक्तर कुछ नकारात्मक लोगों के हाथ में है। भोले भाले आदिवासी मर रहे हैं, पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा या ठीक हो जाएगा। चूँकि आदिवासी कोई मरना नहीं चाहता, उसको इसकी जानकारी की कमी है। तो अभी आदिवासी संघल अभियान 7 राज्य में काम कर रहा है, लोग समझ रहे हैं सालखंड मुखो संघल अभियान क्या बोलना चाहता है। लेकिन हमारे ही काम को कुछ ये जो क्या पैसा वाला पार्टी हो या आदिवासी नेता हो या गांव में जो प्रशासन व्यवस्था के अगुआ हों या जन संगठन है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एक बड़ा आज़ादी का आंदोलन खड़ा हो रहा है। हम आज इस सभा से ये भी बोलने वाले हैं कि महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री आपके अलावे राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी आप तो बड़ी पार्टियां हैं, अभी तक आदिवासियों को सरना धर्म कोड धार्मिक आज़ादी नहीं मिलने के लिए आप दोनों पार्टी दोषीदार। तो शीतकालीन सत्र में आप उठाओ भारत।
बातचीत कर रहा।